ज इट बेटर नाउ आवाज आई कैन यू हैव मी बच्चो कैन यू हैव मी नाउ लेट मी नो यस कैन यू हैव मी ऑस्टम थैंक गॉड वेरी नाइस वेरी नाइस ऑल राइट सो से येस इन द चैट बॉक्स इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं और मुझे पता ही नहीं है दिस इज योर कैप्टन हर्ष महेश्वरी बॉयज एंड गर्ल्स जी इन दार्ट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों में एक चीज बिफोर आई स्टार्ट द सेशन मैं बोलना चाहूंगा कि यार मैं आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ आप मेरे हर लेक्चर को ढंग से फॉलो करो एवरी डे कम एंड रीड विद मी मैं गारंटी देता हूँ मैं मैं चाहता हूँ यार हर एक बच्चा मीन्स क्लियर करे जो मेरे को देखता है जो मेरे को चाहता है जो मेरे को फॉलो कर रहा है शुरू से लेकर अब तक मैं उसकी गारंटी उसको साथ लेकर चलना चाहता हूं ठीक है तो आपको क्या करना है हर लेक्चर को देखना है और मैं आपके साथ हूं आई एम विद यू आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या पढ़ना है आज हम डिकोडेड सीरीज के अंदर बैकमेन रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही नायाब रिएक्शन है और कितने बच्चों को नहीं आती सच्ची बताओ कि सर मुझे आती नहीं है मैंने ट्राई किया मुझे समझ नहीं आई मैं और अच्छे से समझाऊंगा अगर आप मुझे सच बताओगे तो बढ़िया लगेगा अच्छा लगेगा कि सर मुझे नहीं आती है आई वॉन्ट टू लर्न इट मैं समझना चाहता हूं मुझे ऑनेस्टी चाहिए मुझे आपसे एक एक ऑनेस्ट अपील चाहिए और आपको मैं अपना हार्ड वर्क जरूर दूंगा यार मैं आपको थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं पर सच बता रहा हूं कि आप मैं आपके लिए आप ही हूं यार आपसे ही बनाऊ ठीक है मतलब फॉर यू आई एम है ठीक है अगर आप नहीं होते ऑब्वियसली हर्ष महेश्वरी कुछ नहीं होता तो द पॉइंट इज सिंपल आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए आई डिलीवर माई बेस्ट मैं हमेशा आपको बेस्ट कॉन्टेंट देता रहूंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा टाइम एक दो चीजें जरूर बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि यार एग्जाम टाइम आने वाला है और एनडीए का अपडेट तो मिला ही होगा आज कालिया सर की वीडियो जरूर देखी होगी अगर नहीं देखी तो जरूर देखना ठीक है चलो गाइस सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू ऑलरेडी इफ यू आर न्यू है एंड यू आर लाइकिंग दी एनर्जी मजा आ रहा है कि हाँ यार एनर्जेटिक क्लास तो लग रही है थोड़ी सी तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो ऑसम ठीक है सब्सक्राइब करना गाइज यस वन मोर थिंग इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर एन ऑप्शन जहां पर आपको इस टाइम ना क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉड्यूलर क्लासेस चैप्टर वाइज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए आपको बहुत अच्छे टीचर्स चाहिए आपको आपको चाहिए कि यार ठीक है क्रैश कोर्स तो मुझे मिल रहा है मुझे डिटेल्ड लेक्चर भी चाहिए मुझे वैसा लेक्चर चाहिए जो यू नो पेड क्लासेस में मिलता है और बेस्ट टीचर्स के थ्रू मिलता है और आप कुछ कुछ बच्चे भी बोलेंगे सर मुझे आपका ही लेक्चर देखना है तो यार मैं प्रो सब्सक्रिप्शन अगर आप ये ले लोगे ना मैं उसके अंदर पढ़ाता हूँ आई टीच ऑन पेड प्लेटफॉर्म एज वेल अगर आप मुझसे पर्टिकुलरली पढ़ना चाहते हो सूरी सर से पढ़ना चाहते हो कालिया सर से पढ़ना चाहते हो यू नो you know, लव मेहान सर से पढ़ना चाहते हो और आपके लिए एक आज अनाउंसमेंट भी है ठीक है एक और सर आ रहे हैं इस चैनल पे आई थिंक आपको पता है डी यू गाइज नो आज एक नई नई अनाउंसमेंट हुई थी आज शायद तीन बजे अराउंड हुई थी आपको पता है कौन आने वाला है हमारे चैनल पे उसके बारे में भी बात करेंगे तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे टीचर से भी पढ़ू और पुराने लेक्चर सारे मिल जाए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जाए जहां पे लीडर बोर्ड पोल्स सब कुछ हो मुझे कंटेंट मिल मिल जाए स्टडी मटेरियल जाए बहुत सारे सवाल मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए जिनको सॉल्व करने से मेरे चांसेस मेन्स में जाने के ज्यादा से ज्यादा हो जाए ठीक है तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए है बेटा ठीक है ये आपको रियल टाइम एनालिसिस भी देगी कि आपने एक सेशन में जो आपका लाइव सेशन हुआ हाँ, हमारे यहाँ सारे सेशन लाइव होते हैं कि उस लाइव सेशन में आपने कैसा करा आपने क्या फोड़ा या सेशन ने आपको फोड़ा ठीक है तो ऐसी चीजें हमारे सेशन के अंदर होती है ठीक है तो ये प्रो सब्सक्रिप्शन बेटा बहुत अमेजिंग है कुछ ऐसी फील होती है जैसे यहां पे सर पढ़ा रहे हैं ना दिस इज सर योर फेवरेट राइट तो राइट आई एम योर फेवरेट तो यहाँ पर पुल के चल रहे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे लैंग्वेज की भी ऑप्शन है अगर कोई हिंदी में चाहता है कि कॉन्टेंट डिलीवर हो इंग्लिश में सब कुछ लिखा हो पर डिलीवर डिल्प्ट में हो समझाया जाए हिंदी में जैसे ये क्लास चल रही है और इफ़ यू सर आई इन इंग्लिश बेटा वो भी ऑप्शन है आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार अगर लैंग्वेज कम्युनिकेशन सही हो जाए तो जिंदगी बढ़िया हो जाती है ना यार यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी आपको पॉइंट मिल रहा है ठीक है बेटा चलो अब स्टार्ट करते हैं अब स्टार्ट करते हैं इसके मेन चीज के बारे में तो ये सब्सक्रिप्शन बेटा मैं इलेवेंथ के लिए भी रिकमेंड करूंगा ट्वेल्थ के लिए भी रिकमेंड करूंगा ड्रॉपर के लिए भी रिकमेंड करूंगा एक मंथ ट्राई करके देखो और बेस्ट पार्ट क्या है ये मदर ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन है क्यों है मदर ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन भाई क्योंकि इसमें आपको यू नो मॉड्यूलर स्पेशल क्लासेस उनके कोई पैसा नहीं देना पड़ता वो सब इसका हिस्सा बन जाता है जो भी वेदांतु में है ना जो भी हमारा एसेट है जो भी हमारी चीज है जो पहचान है वेदांतु की वो सब आपकी हो जाएगी वो सब आपकी हो जाएगी सो ट्राई दिस आउट फॉर वन मंथ एक महीना ट्राई करके देखो यार ट्राई करके देखो और एग्जाम भी नहीं गारंटिंग यू कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा ये बहुत बहुत अमेजिंग सब्सक्रिप्शन है आपके लिए बहुत लाभदायक बहुत बेनिफिशियल जरूर होगी ठीक है चलो तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है चाहे आप इलेवेंथ क्लास में है चाहे आप ड्रॉपर में है चाहे आप यू you नो know, uh, क्लास टे है अगर आप ये इस्तेमाल करोगे एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना बेटा इट विल गिव यू हैवी डिस्काउंट और मैं आपको एक बात बताऊं फ्राइडे सैटरडे संडे ना एक और चीज आ रही है मैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा एंड में मुझे याद दिलाना है एक बार फिलहाल के लिए कि हाँ ये मदर ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन है यार चाहे इलेवेंथ क्लास में है ट्वेल्थ में है या ड्रॉपर है बेटा दिस दिस इज फॉर यू ये आपके लिए ही बना है दिस इज इंटायरली फॉर यू और मैं इसमें पर्सनल गारंटी दे सकता हूं यार कि यार इसमें मैं भी हूं बहुत अच्छे अमेजिंग टीचर्स हैं आपका बहुत भला हो जाएगा ढंग से हमसे पढ़ लो ठीक है ऑसम चलो बहुत बढ़िया गिव मी सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स की सर चाकदे आप जल्दो जल्दी से स्टार्ट करो मुझे बैकमैन सीखना है आज मैं बैकमैन सीख के ही जाऊंगा बोलो आज मैं सीख के ही जाऊंगा सब बोलो चैट बॉक्स में आज मैं सीख सीख के ही जाऊंगा पूरा अच्छे से सीखूंगा लेट मी रो ठीक है हा बेटा स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं असुम ठीक है और ये ड्रॉपर के लिए भी एक अलग से सब्सक्रिप्शन है जो ट्वेल्थ अक्टूबर को स्टार्ट हुई है आप इसका भी हिस्सा बन सकते हो ये बहुत अमेजिंग एक ड्रीम टीम है यार ये बहुत अमेजिंग टीम है इसके लिए भी सेम वही चीज एच एम पी आर ओ इज द कोड गो इन दब्सक्रिप डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक ऑन द लिंक यूज ठीक है ऑसम ठीक है बेटा ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए थी तो अब स्टार्ट करते हैं पेथमेन रीअरेंजमेंट बहुत प्यारी रीअरेंजमेंट है एक एक स्टेप करके तोड़ेंगे इसको एक एक स्टेप करके तोड़ेंगे ठीक है चलो मैं लिखता हूं रेड कलर से लिखता हूं काफी अच्छा दिखेगा देखो भाई यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है यहां पे आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है ठीक है जनरली हम कीटोन लेते हैं कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड या कीटोन अगर मैं उसमें हाइड्रोक्से लमीन डालू बेटा पहली रिएक्शन बैकमैन नहीं है पहली रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन है जो आप जानते हो हो यहां पर क्या काम हो जाएगा पानी निकल जाएगा ठीक है यहां से ये ओ एच और ये और ओ बाहर निकल जाएगा पानी निकल जाएगा सब एग्री कर रहे हैं पहला स्टेप बैकमैन नहीं है पहला स्टेप नहीं है सब बोल दो चैट चार। चार्ट बॉक्स में कि ये तो नॉर्मल है सर मैं जानता हूं अब आप जानते हो कि नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर तो मैंने यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिखाया ठीक है दिख रहा है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है दो ग्रुप आर वन आर टू एज इट इज और यहां पे बेटा आप देख पाओगे कि यहां पर ये नाइट्रोजन का H2 ये मैंने ऐसे दिखा दिया इसको ऐसे दिखाता हूं बेटर है ये थोड़ा मैंने गलत दिखा दी ये H2O निकल जाता है ऐसे इसको ऐसे दिखा जाता हूं तो बिल्कुल आराम से आप समझ पाएंगे रिलेट कर पाएंगे ये आपका H2O निकल गया इसी तरीके से याद करना ठीक है और क्या बचा यहां पे ओ एच ओ लग आ गया सबको समझ आया सबको क्लियर हुआ यहां पर आपका पॉइंट नंबर वन आ गया दिस इज नॉट बैकमैन ये बैकमैन रीअरेंजमेंट नहीं है पर अब ऐसा कुछ बना मेरे पास ठीक है अब मेरे पास कुछ ऐसी सी कुछ भी डाल दू ये सारे रिएजेंट वर्क करते हैं ये सारे रिएजेंट वर्क करते हैं ठीक है तो ये तुरंत रीअरेंज होकर अमाइड मिल जाएगा इसको बोलते हैं बेटा ऑक्साइड इसको बोलते हैं अमाइड ये kind of an isomerization reaction है। ये है, है। बेटा एक structural isomerism reaction है। क्या होता है यहां पर अगर मैं आपको सिंपल मोटा मोटा एक चीज बैकमैन में आपका -Amide में बदल जाता है पॉइंट नंबर वन तो इसको काफी सारे टीचर्स या फिर मैं पर्सनली से बोलता हूं रीअरेंजमेंट रिएक्शन re है और यू नो इट इज नथिंग बट एन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन वेयर ऑक्साइम इज आइसोमराइजिंग टू माइंड सबको पॉइंट समझ आया गिव मी सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स की हाँ सर इतना मुझे क्लियर हो गया एवरीथिंग इज क्लियर यहां तक सारी पॉइंट्स क्लियर है, है ना यस yes, ऑसम awesome, बहुत बढ़िया यार मुझे स्टूडियो रूम में ना ए सी लगवाना पड़ेगा हेयर स्टाइल की ऐसी तैसी हो जाती है पसीने एक दो मिनट में आ जाते हैं है ना मुझे यहाँ पे ए सी जरूर लगवाना पड़ेगा बहुत गर्मी लग लग जाती है फिर वीडियो गंदी आती है यार मैं देखता तो हूँ इतना घटिया लगता हूँ मैंने कहा इतना घटिया तो मैं दिखता ही नहीं हूँ ठीक है मानता हूँ थोड़ा सा घटिया दिखता हूँ पर इतना भी नहीं

मैं आपको बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं स्टे ट्यून एंड तक देखना है बने रहना है बिल्कुल भागना मत की यार एक दो मैकेनिज्म पढ़ाए और भाग गए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कनेक्ट पर कर पाओगे मेन का क्वेश्चन भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा जो आया हुआ है ठीक है चलो तो होता कैसे अब यहां पर ये बैकमेन हम समझ रहे हैं डिटेल में हा बच्चों ग्रीन लेता हूं ग्रीन कलर अच्छा लगता है ठीक है तो मैंने यहां पर क्या करा एसिड डाल दिया आई कुड हैव यूज्ड PCl5 था एंड आई कुड राइट POCl3 वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स है मैंने डाला एक ठीक है मैंने डाल दिया कौन सा मैंने डाला H2SO4 तो ये एसिडिक मीडियम था बेटा H+ होगा यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं मार देगा अटैक तो क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन क्या आपको कुछ इस प्रकार से सिचुएशन मिलेगी R1 R2 डबल बॉन्ड एन यहां पर बन जाएगा बेटा ओ एच टू प्लस और यहां पे लोन पेयर अब मुझे एक बात बताओ आपने ओ OH एच से ओ एच टू प्लस बना दिया यानी कि वाटर बना दिया वाटर बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो ये तुरंत बाहर निकलेगा अब मुझे एक बात बताना बच्चा कि अगर ये बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन पे क्या चार जाएगा लेट मी नो इन द बॉक्स अगर ये H2O बाहर निकला तो नाइट्रोजन पे इमीडिएटली क्या चार्ज आना चाहिए था पॉजिटिव या नेगेटिव लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूं आपके कमेंट थैंक यू बेटा गौरांग थैंक यू सो मच पॉजिटिव अब मुझे एक बात बताओ यार नाइट्रोजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है केमिस्ट्री में फोन की स्पेलिंग क्या होती है फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरिन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फोन होता है याद है ना मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में बोला है ऐसा याद कर लो केमिस्ट्री में फोन की स्पेलिंग फोन ठीक है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या एक अच्छी चीज है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या अच्छी चीज है नहीं जी बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है कंस्टेबल सिचुएशन है तो बेटा याद रखना जो भी ओएच के ऑपोजिट ग्रुप है इस टाइम कौन सा लगा हुआ है r2 जो भी ओएच के ऑपोजिट ग्रुप है वो शिफ्ट मारता है बोलता है नाइट्रोजन भाई डोंट वरी

से अनस्टेबिलिटी बहुत बहुत छोटे समय तक के लिए आए सबको पॉइंट समझ आया इसी चीज को बोलते हैं अल्काइल अल्काइल शिफ्ट शिफ्ट इसी चीज को बोलते हैं और बेटा किसी ने खास बात सुनी एंटी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट जो भी ओ एच के ऑपोजिट होगा ना दैट ग्रुप विल माइग्रेट माइग्रेट दैट ग्रुप विल माइग्रेट ठीक है ये लिख लेना मैं लिखवाऊंगा अभी मैंने लिखा भी है आपके लिए और पीपीटी मिल जाएगी आपको एंटी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स जो भी ओ OH के ऑपोजिट है दैट विल माइग्रेट रनिंग नोट्स में लिखो यार ऐसी चीजें लिखनी चाहिए कि यार क्या चीज माइग्रेट करेगी क्या चीज माइग्रेट करेगी एंटीअलकाइल ग्रुप विल माइग्रेट जो भी ओ OH के ऑपोजिट ग्रुप होगा वो माइग्रेट करेगा क्या बच्चा लोगों को बातें समझ आ गई ठीक है ऑसम awesome. ठीक है ऑल राइट right. अब बच्चा लोग यहां पे बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो एंटीअलकाइल ग्रुप विल माइग्रेट यानी कि यहां पे क्या सिचुएशन बनी जो दिख रहा है मैं वही लिख रहा हूं R, C पे क्या जाएगा बेटा प्लस क्योंकि यहां पे क्या हुआ माइनस शिफ्ट और याद रखना कौन सा शिफ्ट हुआ शिफ्टी ग्रुप का वो की पॉइंट में अभी लिखवा दूंगा फिर यहां पर क्या आया बेटा नाइट्रोजन साथ में लगा हुआ है ओ OH. एच कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी अब पानी तो है क्योंकि आपने एसिडिक मीडियम लिया पानी तो है यहां पर तो बेटा पानी अटैक मारेगा क्या मैं डायरेक्टली लिख दू यहां पर आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन ओ एच और बच्चा लोग क्या आप एक चीज जानते हो जिसे बोलते हैं टोटोमेरिज्म मैंने यहां पे कुछ गलती कर दी यार हाँ माफ कीजिएगा एम सो सॉरी प्लीज अलाउ मी प्लीज अलाउ मी यहाँ पे आपका आर टू क्या भाई हर्ष क्या कर रहा है यार है ना आर टू आएगा माफ कीजिएगा एम सो सॉरी अब क्या बेटा आपको एक चीज याद है एंटी एलकाइल ग्रुप सब कुछ हो गया सब कुछ समझ आ गया टोटोमेरिज्म एक चीज करके याद है लास्ट स्ट्रक्चर में होने वाली है एक चीज याद है अब मैं वही स्टेप दिख रहा हूं आगे ठीक है टेकअ स्क्रीन शॉट इफ यू एनीथिंग प्लीज टेक स्क्रीन शॉट क्योंकि अगर आप स्क्रीन शॉट ले रहे हो तो जल्दी से वन टू थ्री फोर फाइव मूविंग अहेड आगे बढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम ठीक है हां जी तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर वन सी यहां पर आपका आ गया था ओ एच OH, यहां डबल बॉन्ड एन आर टू कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी थी बेटा अब बच्चा लोग आपको क्या करना है टोटोमेरिज्म वाला जो हाइड्रोजन था ये मारेगा यहां शिफ्ट प्रोटॉन शिफ्ट होगा है ना तो इसी को तो टोटोमेरिज्म बोलते हैं क्या बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये R कौन सा है R1 ठीक है N R2 आ गया ना आपका फ्रॉम ऑक्साइम यू हैव मेड अमाइड या ना अब अच्छा अभी भी बच्चे कह रहे हैं सर तो काफी लेंदी सा है मेरे को एक स्टे, एक स्टेप में सीखना है मैकेनिज्म समझ आया अच्छा मैकेनिज्म में समझ आया मैकेनिज्म में कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि सर नहीं समझ आ रहा यही आपका अमाइड था यही हमें बनाना था ये बोलो मैकेनिज्म समझ आ गया अच्छा सर चमक गर, चमक रहा है बोर्ड थोड़ा सा चमक रहा है लाइट का ना अरेंजमेंट नहीं हो पाया लास्ट मिनट हुआ लाइट को मैं थोड़ा सा आज मूव कर रहा था कि यार मैं काला लगता हूँ कोई बोलेगा एग्री एक, करोगे यार वेरी डल इट्स नॉट लाइक माई एनर्जी बिकॉज दी लाइट इन हेयर इज नॉट गुड मुझे थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा आई नो you know, कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा है ना आई यूज कलर ठीक है अब मुझे एक बात बताओ एवरी वन प्लीज टेल मी यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म बी आंसरिंग विद इन अ सेकेंड की आप चुटकी में आंसर दे दो चाहते हो वो ट्रिक कि चुटकी में सर आंसर आ जाए चाहोगे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत अमेजिंग अच्छा लग रहा है यार एनर्जी बहुत बढ़िया है तुम लोगों की तो आज समझेंगे कि चुटकियों में आंसर कैसे निकालना है ठीक है तो अब कुछ क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा वो चीजें ठीक है तो यहां पे मैं आपको बोला था कि मैं आपको बताना चाहूंगा की पॉइंट्स क्या है जो आपने देखा इट इज एन आइसोमराइज आइसोमरिज्मी एलकाइल ग्रुप माइग्रेट बेटा कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा एंटी मैंने हिंदी में वो ट्रिक बात बोली थी विच ग्रुप माइग्रेट ये भी बोलो एंटी एल्काइल तो समझ आता है मुझे पर वो एंटी एलकाइल किसके ऑपोजिट होना चाहिए एंटी अल्काइल तो मुझे समझ आ रहा है यार बच्चा लोग तो मेरी बात नहीं समझ रहे वो जो हाँ संकेत ने बोला बिल्कुल वेरी गुड संकेत दैट ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं ना जो आर शिफ्ट मारेगा जो भी ओ एच होगा उसके ऑपोजिट वाला यही फंडा है यही फंडा है ठीक है हाँ हाँ स्क्रीन हल्का सा चमक रहा है पर दिख तो रहा है ऐसा नहीं है मैं देख पा रहा हूं की पॉइंट दिस इज नथिंग बट की मैं लिख देता हूं कोई बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन चमक गया है आज मैंने ब्लैक इस्तेमाल किया है ना थोड़ा ज्यादा चमक रहा है दीज आर की पॉइंट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्शन के एंटी एलकाइल ग्रुप माइग्रेट विच इज यू नो विच इज एन टू ओ एच ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है विच ग्रुप माइग्रेट विच इज एन टू ओ एच ग्रुप ठीक है अच्छा रिएजेंट एजेंट मैंने पूरी लिस्ट दे दी है कोई सा भी करा सकता है बेकमिन कोई सा भी करा सकता है बैकमैन अब चुटकियों में सीखेंगे बेटा कैसे करना है ठीक है चलो अब देखते हैं कैसे इसको करना है हां जी एक लास्ट प्रोसेस बिफोर आई गो हैड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फाउंड मतलब एक बेसिक स्टेप है अगर मैं कोई भी अमाइड लू और बेटा अमाइड के अंदर अगर मैं हाइड्रोलिस कराऊं चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में कोई से भी मीडियम में कराना क्या काम होता है यहां पर डबल आपको क्या काम करना है जब भी हाइड्रोलिसिस हो तो दो हिस्सों में से तोड़ दो ठीक है एक जगह लगा दो ओ OH, एच मैं यहां लगा देता हूं ओ OH, एच और एक जगह लगा दो एच तो आपको क्या मिल जाएगा एसिड एंड अमाइन यही आर NH2 हो गया एंड यू नो आर सीओ हो गया यही तो चीज हुई सबको समझ आया एक जगह लगा दो OH एक जगह लगा दो लगा दो H सबको बात समझ आ रही है फंडा क्लियर है कि आप जैसा मर्जी आप यू नो अमाइड ले लो उसकी अगर हाइड्रोलिस कराओगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो वो टूट कर क्या देता है एसिड एंड चलो अब स्टार्ट करें लेट अस डू यू नो सम क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्वेश्चन विद इन अ सेकंड ऑल राइट सो मी सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स की सर पढ़ा दो जल्दी से मजा आ रहा है जल्दी से बोलो या सीमा जस्ट शो यू जस्ट देख देख बेटा अभी इसका क्वेश्चन दिखाऊंगा आई हेल शो यू हाउ इट कैन कम ठीक है सीमा अब सुनो ऑल राइट right. तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं यहां पर ये क्वेश्चन जेई में आया है ठीक है अब जरा देखना अच्छा उसको करने से पहले मुझे बेसिक देने पड़ेंगे हाउ टू डू इट वेरी फास्ट सिंपल चीज है अब मेरी बात बताओ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ये वाला अब बच्चे के दिमाग में आता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा यार आपको क्वेश्चन मिला है ये आपका क्वेश्चन है ये आपका सामने एक क्वेश्चन है अब मैं यहां पे आपसे पूछता हूं कि यहां पे मैंने डाल दिया H2SO4 ठीक है और आप बोल दो एसिडिक मीडियम ये हो गया बैकमैन अब छूटते ही आपको पता लग गया ये हो गया बैकमैन मुझे बता पाओगे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा हमारा लॉजिक क्या था एंटी एल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट ओएच के जो भी ऑपोजिट है दैट ग्रुप विल माइग्रेट राइट विच विच ग्रुप राइट नाउ इज एंटी टू ओ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स चैट बॉक्स में बताओ कि कौन सा ग्रुप ओ के एंटी है लेट मी नो जल्दी से बताओ राइट है

क्लियर हुआ हमें पता है ऑक्साइम से एमआईडी बनना है क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म से वो समझ लिया मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक है यहां पे तो चुटकियों में आंसर लिख दिया बोलो यस और नो हां या ना समझ आया क्लियर हुआ ये बल्कि वाला लॉजिक नहीं लगता यहां पर लॉजिक लगता है एनटी अल्काइल वाला यहां पे बल्कि वाला नहीं लगता आप और एक और बार, बार बताओ अगर कोई जो बल्कि वाला भी बोल रहा है ना कि सर माइनस ने कैसे शिफ्ट मार लिया आपको पता है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट जो होती है वो भी मैंने पढ़ाई है चैनल पर डीकोड करी है ठीक है वो रिएक्शन के अंदर भी ना जिस ग्रुप के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो माइग्रेट करता है फिनाइल और अगर आप इथाइल दोगे ना फिनाइल शिफ्ट करेगा ठीक है तो ये थोड़े कंसेप्ट सही करो मैंने ये डी किया है पिनाकोल पिनाकोल को भी मैंने समझाया है जरूर देखना तो ये लॉजिक मत लगाओ हमेशा यहां लगाओ कि ओएच के जो ऑपोजिट है वो लगेगा ठीक है तो बहुत ध्यान से बात को सुनो ठीक है क्लियर हो गया ऐसी चीज मत करना गलत हो जाएगा ऐसी चीज मत करना ठीक है awesome ठीक है ठीक है awesome ठीक है मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट्स नाउ मूविंग ऑन तो ये तरीका समझ आ गया अब हम देखते हैं जेई का सवाल जो जेई में आया था और ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लेवल का है मुझे पता भी लग जाएगा कि आपको रीअरेंजमेंट आती है क्या बच्चों रीअरेंजमेंट आती है लेट मी नो इन द चैट बॉक्स की आपको रीअरेंजमेंट आती है आपने बचपन में इलेवेंथ क्लास में खूब अच्छे से रीअरेंजमेंट पढ़ी है मुझे बताओ हा या ना अगर नहीं आती उसका भी तोड़ है मैंने रीअरेंजमेंट भी पढ़ाई है इसी चैनल पे आपको लिखना होगा कार्बो के रीअरेंजमेंट आपको वो पूरा मिल जाएगा अगर आती है तो मजा आएगा अगर आती है तो मजा आएगा एक मिनट रुक जा मैं राइट को लाइट को सेटअप ही कर देता हूँ देख क्या कम हुआ नहीं, नहीं, एक सेकेंड लेट मी एडजस्ट बेटा अब खत्म हो गया हाँ अब सही हो गया ना मैंने वो सामने वाला बल्ब दिला लिया था ऑसम ठीक है अच्छा अब मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा ले लूंगा क्वेश्चन आपको चेक भी कर लूंगा कि आप लोगों ने कितना बढ़िया से पढ़ा हुआ है अगर नहीं पढ़ा तो घबराने की बात नहीं है हर सर गॉट योर बैक बस पे जाके लिखना मैंने वहां पे भी सारे लेक्चर्स दे रखे हैं ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं अब 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 स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन जेई में आया हो सबसे पहले यहां लिखूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये जेई का आया हुआ सवाल है मान लीजिए उन्होंने पहले ऐसे दे दिया स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा आप लोग तो जानते ही हैं भली-भांति स्टेप नंबर 1 तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है इसकी तो मैं बात भी नहीं करूंगा क्योंकि क्योंकि ये तो आपका बैकमेन है भी नहीं अगर कुछ ऐसा कभी भी मिले तो पानी बाहर निकालो क्या आ जाता है आपका ऑक्साइम है ना मैं यहां पे ऑक्साइम बना लेता हूं अब उन्होंने क्या करा जेई के क्वेश्चन में यहां पे डाल दिया डाइल्यूट एच टू एसओ फोर अब ये रिएक्शन है बैकमैन अब ये जो स्टेप है बेटा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं दिस स्टेप बॉयज एंड गर्ल्स नाउ इट इज अ स्टेप विच इज विच वी विल कॉल एज बेकमैन रीअरेंजमेंट कुछ ऐसी परिस्थिति होती है ना बेकमैन में दिख रहा है क्या समझ पा रहे हो ये सवाल जेई का सवाल है पीछा पिछला पीछा यू नो पिछले सालों में पूछा हुआ सवाल है ठीक है अच्छा क्लियर हो रहा है बढ़िया लग रहा है आप समझते हैं इसको कैसे करना है अब इसको समझते हैं कैसे करना है तो एक एक स्टेप समझाऊंगा ध्यान से सुनना ग्रीन कलर से लेते हैं गाइस कुछ ऐसा होने वाला है क्या जैसी आप इसमें H प्लस डालोगे तो आपको पता है ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं मार देगा अटैक प्रोटोनेशन हो जाएगा जो हम पहले पढ़ते आ रहे लॉजिक कभी भी चेंज नहीं हो रहा है ठीक है जो कहते हैं केमिस्ट्री रटने की चीज है यार मैं उनसे बहुत बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं बहुत सारी चीजें तो आप फिजिक्स में भी याद ही करते हो ना मैथ्स में भी तो आपको कुछ फॉर्मले याद करने होते हैं तो ऐसे कैसे कह देते हो कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री सब रटने वाली है नॉट अ गुड पॉइंट नॉट अ गुड पॉइंट तो यहां पर प्रोटोनेशन हो जाता है कुछ ऐसा होगा हाँ ना अब ये प्रोटोनेशन होगा तो बेटा ये बाहर जाएगा अगर ये बाहर जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या स्थिति आएगी नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा लेट मी नो इन दार्ट बॉक्स चार्ज क्या डेवलप होगा उधर नाइट्रोजन का चार्ज बताओ तो हर एक स्टेप करेंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में ही करेंगे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव क्या पॉजिटिव अच्छी सिचुएशन होती है नहीं अब यहां पे एल्काइल ग्रुप नहीं है पर बॉन्ड्स तो है तो यहां पर बेटा ये, बेंजी, ये बेंजीन क्या गया है जो आपका के होते है, है ना? तो यहाँ पर जो दिखता है बेटा वही बनाओ जो दिखता है वही बनाओ जो कमजोर है सम, समझना जिसे नहीं आता रिअरेंजमेंट तो समझना कैसे करना है आज समझो कल अपने आप एक बार वो क्लास देख लेना मेरी दो समझ आ जाएगा यहां पर बेटा आपको क्या करना है जो दिखता है वही लिख रहा हूं देखो ये वाले बॉन्ड ने शिफ्ट मारा और यहां नेगेटिव आया ये यहां पहुंच गया तो कुछ नया बॉन्ड इस प्रकार आएगा हाँ या ना सब देख पा रहे हैं मैं और अच्छे से बना देता हूं सब देख पा रहे हैं शिफ्ट मार दिया अच्छा अगर ये शिफ्ट मारेगा तो इस वाले कार्बन पे बेटा क्या चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड ने शिफ्ट मार दिया ना तो मैंने यहां वन लिख दिया इसको मैंने यहां पे पॉजिटिव लिख दिया सॉरी कुछ ऐसा ही तो होता है बैकमेन में नेक्स्ट स्टेप समझ आ रहा है क्या होगा आपका पसंदीदा आपका नहीं मेरा पसंदीदा है पानी आपका तो कुछ और है मैं बताऊंगा क्या है यहां पर बेटा क्या आ जाएगा यहां पर आपका अच्छा इसको मैंने बिफोर यू नो गोइंग फॉर दिस स्टेप कैन आई राइट लाइक दिस कितने मेंबर दिख रहे हैं आपको कितने कंपाउंड uh, दिख रहे हैं कितने मेंबर्स दिख रहे हैं इस रिंग में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात दिख रहे हैं आया ना साथ दिख रहे हैं। सब एग्री कर रहे हैं साथ क्या मैं साथ को ऐसे लिख सकता हूं मेरे लिए आसान हो जाता उसे समझ जाना काफी बढ़िया हो जाता है उससे क्यों भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दू Next step में यहां डाल दू वॉटर मैं नेक्स्ट स्टेप में वाटर डाल सकता हूँ दिखा रहा हूँ तो तो हाँ बहुत मजा आ रहा है यार आई एम लाइकिंग एनर्जी यू गाइज आर गिविंग मी टूडे ना अब यहाँ पे आपने डाल दिया आपका फेवरेट पानी नहीं मेरा फेवरेट सॉरी 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 <laughs> तो यहां पर क्या आया यहां पे कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन जाएगी ये का सवाल कर रहे हो माइंड यू अगेन तो सीधे आपको दिख गया क्या कीट टोटम तो आप यहां पे एक सुंदर सा सेवन के तैयार कर दो इस कंपाउंड का नाम जानते हो क्या एल्फा बीटा गामा डेल्टा उमेगा इसका नाम होता है ओमेगा कैप्रोलैक्टम क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर ओमेगा कार्बन से अटैच है तो इसका नाम होता है ओमेगा कैप्रोलैक्टम और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो ना और इसको पॉलीमराइज़ कर दो तो एक पॉलीमर मिल जाता है जिसका नाम है नाइलॉन सिक्स जो अमेरिका और यूके में साथ साथ डिस्कवर हुआ था ठीक है तो इनका जो नाम पड़ गया जो नाइलॉन आया ना न्यूयॉर्क कमिंग फ्रॉम अमेरिका फ्रॉम द पॉपुलर सिटी सिमिलरली लंडन से आपका नाम यहाँ पे एल ओ एन आ गया ठीक है तो यहाँ पे नाइलॉन आ गया नाम ठीक है तो कलेक्टिवली नाम दिया गया और आप देख सकते हो मोनोमर जो होता है ना आपके पॉलिमर चैप्टर पढ़ रहे होंगे है ना मोनोमर जो होता है ना इसको मोनोमर बोलते हैं जिससे बार बार जिसको रिपीट करने से एक पॉलीमर मिल गया तो ये वाला जो नाइलॉन सिक्स था उसमें मोनोमर क्या, इस्तेमाल था और यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं सिक्स देख लो काउंट कर देख लो तभी इसका नाम पड़ा ओमेगा यू यू नो नो क्योंकि इसके मोनोमर में कार्बन है एंड न्यूयॉर्क और लंडन में साथ साथ डिस्कवर kind of kind of you know, हुआ तो नाम पड़ गया नाइलॉन सिक्स सबको क्लियर हुआ सबको समझ आया अच्छा अब मेरी बात सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा ट्रिक क्या है यहां पर अगर आप नोटिस करो किसी ने नोटिस करा मैंने सिक्स मेंबर्ड रिंग से एक स्टार्ट किया था और ये कौन सी रिंग रिंग बन बन गई अमाइड कौन, कौन सी तो जरा जल्द जल्दी से बताना बच्चा लोग अगर आपको जेई कुछ इस प्रकार का सवाल दे आप बिल्कुल गलत नहीं करना मैं ट्रिक बता चुका हूं एक मेंबर रिंग बढ़ा देनी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कुछ ऐसा पहले स्टेप में मैं डाल दू एनएच टू ओ एच पहले स्टेप में डाल दिया मैंने एनएच टू ओ एच दूसरे स्टेप में डाल दिया मैंने पीसीएल फाइव कोई मुझे बच्चा आंसर देना चाहेगा डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट आंसर कितने मेंबर रिंग आ जाएगा कौन सा मेंबर अमाइड मिलेगा मुझे जल्दी बताओ सिक्स मैं लिख दूं क्या डायरेक्टली डायरेक्ट लिख दूं क्या क्या ट्रिक समझ आई बेहतरीन नस... ट्रिक थी आया ना कहीं पे भी लिखो डजन मैटर आया नहीं आया क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चा लोग फाइव टू सिक्स इसी प्रकार अगर मैं आपको दे दू ऐसे ही करके और यहां लिख दिया बेटा डाइल्यूट एच टू एसओ फोर आंसर बताओ क्या होएगा ये क्या है फोर मेंबर ड्रिंक फोर से क्या बन जाएगी लेट मी नो लेटमी नोन बॉक्स फोर टू फाइव ऑसम आ गया समझ आया awesome. तो यहां पर ये यह ये बन गई टू आपका पूरा बैटमैन था एक एक अच्छा सा सवाल दू होमवर्क कैन आई गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन एज होमवर्क एंड वुड यू बी सो काइंड एंड जेंटल टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स एक सीक्वेंस लाऊंगा थोड़ा थोड़ा अलग सा क्वेश्चन होगा इफ यू अलाउ मी इफ यू वॉन्ट दैट क्वेश्चन से समथिंग इन द चैट बॉक्स उसका आंसर आपको कॉमेंट करना पड़ेगा ठीक है एक सीरीज बनाऊंगा आपके सामने ठीक है चलो लेट मी गिव यू अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑल राइट ठीक है लेडस्सी so, mm, मैं यहां देता हूं यहां डालते हैं डालते हैं डेंटिफाई ए बी सी ये हाइड्रोलिस करिए मैंने एसिडिक आइडेंटिफाई ए बी सी तीनों बताने हैं आपको क्या है ठीक है हम यू you नो know, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूं और जो बच्चा इसको यू नो हु विल गेट इट राइट विल गेट माय रिस्पेक्ट ट माई रेस्पेक्ट ही बिल्कुल अच्छा करा और मैं उनका नाम जरूर लूंगा अगर आप कॉमेंट फर्स्ट कॉमेंट फर्स्ट टेन कॉमेंट में ना अगर आपका नाम आता है कि आपने पूरा दिया है मैं आपका नाम कर लेने वाला हूं जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा आई विल डेफिनेटली गिव यू अउट आउट की बच्चा बिल्कुल अमेजिंग कर रहा है इसने एक अमेजिंग आंसर दिया you will have my respect. है यू विल है सो क्वेश्चन लिख लो ऑसम ऑसम ठीक है बढ़िया

वो बहुत ही बहुत ही एपिक होने वाला बहुत है बहुत बढ़िया मेंटर है आई लुक अप टू हिम, ठीक है जब भी मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है सेशंस में आप बताइए क्या है तू आई टेक गाइडेंस फ्रॉम ये और बड़े टीचर से सीखने में बहुत मज़ा आता है यार हमेशा ज़िंदगी में मैं पर्सनली मानता हूँ सीखते रहना चाहिए कहीं से भी ज्ञान मिले बटोर लो ठीक है कहीं से भी ज्ञान मिले बटोर लो सीखते बढ़ते रहो तो ये काफ़ी अच्छे सर हैं बहुत अमेजिंग है मैं पर्सनली जानता हूँ इनको बहुत बहुत हम्बल टीचर हैं बहुत हम्बल टीचर हैं बहुत अमेजिंग ह्यूमन बींग है और मतलब एक नंबर एक नंबर नेक्स्ट लेवल और ये आ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने हमार को ठीक है हम बहुत यार मैं बहुत खुश हूं टू तो बी वेरी ऑनस्ट तो ये एच है हमारे डिपार्टमेंट के और ये भी आ गए हैं और अब देखना मैं इनके साथ फोड़ दूंगा ठीक है और आपके कैप्टन तो है पर, you know, sure यहां पर और यहाँ पर आ गए हैं एक और सर अभिनव सर वी विल मेक श्योर दैट यू गाइज आर एक्चुअली डेवलपिंग और यू नो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री इन अ मच स्मूद वे बहुत जल्दी ठीक है तो हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दिस ऑलरेडी कितने लोगों को ये पता था मुझे जल्दी से बताओ कब से आ रहे हैं बहुत बढ़िया है सवाल कब से आ रहे हैं यू विल फाइंड आउट यू विल फाइंड आउट अभी के लिए अनाउंसमेंट ये है कि सर आ रहे हैं ठीक है दैट्स इट 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 हाउ हाउ मेनी मेनी ऑफ ऑफ यू यू न्यू तो तो आज पता भी था तो ये बहुत हम्बल टीचर है बहुत अमेजिंग टीचर है और ये मेरे साथ काम करेंगे अब ठीक है मैं वैसे बोल सकता हूँ प्राउडली कि अब क्योंकि चैनल पे मैं पहले आया था तो ये मेरे साथ काम करेंगे पर यस ये बहुत अच्छे टीचर है यार बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है और बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं यार ठीक है फंडे इनके बहुत क्लियर हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडे हैं और इनके बारे में आप जानोगे पुलकित सर के साथ और ये कब आ रहे हैं चैनल पे थोड़ा सा वेट करो और बहुत सारी चीजें प्लान है स्प्रिंट भी प्लान आउट है आप लोगों के लिए तो डू नॉट वरी आपको बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं कुछ दिनों में तो अगर आप वो अपडेट्स चाहते हो टाइमली सब्सक्राइब करो सबसे पहले लाइक करो इस वीडियो को क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको बता गया जो मुझे बतानी भी नहीं थी अभी मैंने बता दिया इस प्रिंट के बारे में मुझे मना किया गया था गलती से निकल गया मेरे मुंह से और मैंने आपको बता दिया ठीक है तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए बेटा यू हैव टू सब्सक्राइब टू चैनल हिट द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड इज बेकोजनिंग एंड वॉट इज अप ठीक है सो आपको अपने अपडेट्स मिलते रहेंगे और कॉन्स्टेंट अपडेट से याद आया कितने बच्चे यहाँ पे ड्रॉपर हैं मुझे बताओ अगर आप एक ड्रॉपर हो और आप कहते हो नहीं सर मुझे प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे सिर्फ क्रैश कोर्स चाहिए मुझे सिर्फ ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पर मुझे बहुत अमेजिंग कंसाइज कॉन्टेंट मिल जाए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए बहुत सारे टेस्ट मिल जाए जहां पर मैं अटेम्प्ट करूं और मैं अपनी रैंक देख पाऊं मैं कैसा कर रहा हूं कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ क्या गलती हो रही है कैसी गलती हो रही है वो सब मुझको पता लगता रहे ठीक है और मैं इवॉल्व करता रहूं और साथ ही साथ सर मुझे लाइव क्लासेस करनी है मुझे रिकॉर्डेड सेशन नहीं करने बहुत जगह रिकॉर्डेड सेशन यू नो आपको दे देते हैं मुझे वो नहीं करना मुझे लाइव सेशन करना है और मुझे कुछ ऐसा भी चाहिए कि मेरे क्वेश्चन सारे आंसर होते रहे मुझे एक डाउट ऐप भी चाहिए क्योंकि मैं आपसे पर्सनल टच कैसे बना पाऊं मेरे को कोई क्वेश्चन हुआ कभी भी हुआ मैं कैसे पूछूंगा तो बेटा एक डाउट ऐप आप भी आपको दी जा रही है ऐप को डाउनलोड करना है क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है डालनी है विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट अ आपको पूरा आंसर मिलेगा तो ये आपका एक ये तरीका और क्लास में आप भैया जितने अंगीनर डाउट है ना आपके पास आप वो सब पूछ डालो कोई मना नहीं करेगा और आपको एक प्रॉपर तरीके से सीखा जाएगा अच्छा कोई घबरा रहा हो कि सर लीडर लीडरबोर्ड क्विज पो, और ये सब चीजें हैं मेरे पास जी भाई उस वेव प्लेटफॉर्म पे ही क्लास हुएंगी सब कुछ आपको दिया जाएगा ठीक है

देखो आता है सर मुझे सिर्फ अभी अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स करना है मुझे एक बहुत जल्दी से रिविजन लेनी है और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं के प्रीवियस ईयर जो आ भी सकते हैं जो कहता है थोड़ा मुझे पढ़ना भी है हल्का सा गो फॉर प्रो जो कहता है मुझे आता है सब कुछ मैं जल्दी रिविजन करना चाहता हूँ या फिर कोई बोलता है कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ही कर लू कोई ट्वेल्थ में है वीक भी है थोड़ा समझ भी नहीं आया पर कहता है मैं जल्दी से कर लूँ फिर भी तो बेटा तब भी आप गो फॉर दिस ठीक है दो मैंने ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताया है सो गो फॉर दिस फ्रॉम साइड तरफ से इतना ही है एंड ये yes, टेलीग्राम पे भी है यार बेटा मैं को जरूर बताना पड़ेगा आपको ये हम टेलीग्राम पे भी है आपको यू you नो know, टेलीग्राम पे आना पड़ेगा लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक कर दो तो कॉन्स्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के बारे में कालिया सर की वीडियोस के बारे में सूरी सर की वीडियोस के बारे में ठीक है सबके बारे में आपको पता लगता रहेगा क्या हो रहा है पुल कित सर आ रहे हैं या फिर कभी और कोई आ रहा है पढ़ाने तो आपको सब कुछ पता लगता रहेगा सो अगेन टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक इट शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड से येस टू योर कैप्टन आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री लाइक नेवर बिफोर आई विल मेक केमिस्ट्री फन फॉर यू दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दिस इज योर कैप्टन साइनिंग आउट